Again, welcome back to my channel. My name is Aksa and we have started a series of improving vocab by reading a newspaper. And we are improving our vocab for writing and for speaking purpose. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और पार्ट बन जाए हमारी इस जर्नी का. तो हमने जितने भी जो है वो न्यूज़पेपर के दो दिन के जो वर्ड्स कलेक्ट किए हैं वो आज हम देखेंगे कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और फिर हम उनके सिनोनियम्स को भी देखेंगे और फिर हम उनके सेंटेंस को भी देखेंगे. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज इम्बोल्डन. इम्बोल्डन क्या है? ये एक वर्ब है. इसका मीनिंग क्या है? टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग. किसी को करेज करना, कॉन्फिडेंस देना कुछ करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इम्बोल्डन. इसके सिनोनियम्स देखें आप. इसके सिनोनियम्स हैं इनकरेज, स्ट्रेंथन, मोटिवेट. अब हम इसके न्यूज़पेपर के सेंटेंस को देखेंगे. न्यूज़पेपर सेंटेंस है, शी वॉज फर्दर इम्बोल्डेंड विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमिंग टू पावर इन इंडिया एंड पाक बांग्लादेश टाइज वेंट फ्रॉम वन लो टू अनदर. ये एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो डिस्कशन रही थी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से, उसका ये एक सेंटेंस है जिसमें ये वर्ड यूज हुआ था इम्बोल्डेंड, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? करेज. Now the second word of today is slur. Slur जो है वो दो तरह से यूज होता है, एज अ नाउन और एज अ वर्ब. हम जो है वो वन बाय वन एज अ वर्ब इसके मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसके मीनिंग देखेंगे एज अ नाउन. जब हम स्लर को एज अ वर्ब देखते हैं तो इसके मीनिंग क्या है? स्पीक इनडिस्टिंक्टली सो दैट द साउंड रन इन टू वन एनदर. इसके सिनोनियम को देखें, मम्बल, गार्बल, स्पीक, अनक्लियरली स्टैमर. जब आपको कोई वॉइस जो है वो, कोई वर्ड जो है वो अनक्लियर होता है तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं? स्लर बोलते हैं, जब स्लर एज अ वर्ब यूज होता है. इसका सेंटेंस देखें, ये न्यूज़पेपर सेंटेंस नहीं है, ये जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ये एक सेंटेंस है. ही वॉज स्लरिंग हिज वर्ड लाइक अ ड्रंक. तो ये था इसका एज अ वर्ब मीनिंग. अब हम देखेंगे एज अ नाउन. एज अ नाउन स्लर के मीनिंग है एलिगेशन अबाउट समवन दैट इज लाइकली टू इंसल्ट देम और डैमेज देयर रेपुटेशन. तो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, रेपुटेशन. तो इसके सिनोनियम्स क्या है? इसके सिनोनियम्स हैं इंसल्ट, डेफेमेशन, एस्पर्जन, एलिगेशन. डेफेमेशन का वर्ड जो है वो लॉ की टर्मिनोलॉजी में ज्यादा यूज होता है. तो वैसे स्लर एज अ नाउन इसके मीनिंग क्या है? मीनिंग है किसी के इंसल्ट करना. अब हम इसके न्यूज़पेपर के सेंटेंस को देखेंगे. ही सेड व्हेन द पीएमएलएन वर इन द गवर्नमेंट जादे वाज अ स्लर यूज्ड अगेंस्ट देम बाय द अपोजिशन. तो ये एक कुलभूषण यादव से रिलेटेड न्यूज थी जिसमें जो है वो एज अ स्लर. अब आप इसको देखें कि इसमें, इस न्यूज़पेपर के इस सेंटेंस में ये स्लर वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है या एज अ वर्ब यूज हुआ है. और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट. एब्डिकेट का मतलब, एब्डिकेट वर्ब है, इसके मीनिंग क्या है? ऑफ अ मोनार्क रिनाउंस वंस थ्रोन. जब जो है वो मोनार्क जो है वो किसी और का वो टाइम भी अपना जो है वो अपने थ्रोन से हट जाता है, अपने डेजिग्नेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेट. इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? रिजाइन, रिटायर, क्विट, डिसओन, गो आउट. अब हम इसके सेंटेंस को जब हम करेंगे तो हमें मीनिंग जो है वो और क्लियर हो जाएगा. तो ये क्या है? इन 2017 द किंगडम डिसमिस्ड रिपोर्ट्स एंड माउंटिंग स्पेक्युलेशन दैट द किंग वाज प्लानिंग टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज यंग सन. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हु इज वाइडली सीन एज द डी फैक्टो रूलर. तो ये क्या है? वो अपने उससे, अपने डेजिग्नेशन से रिजाइन कर रहे हैं इन फेवर ऑफ हिज यंग सन. ये जो सऊदी अरब के किंग हैं, ये उनसे रिलेटेड न्यूज थी कि वो अपने बेटे को अपॉइंट करेंगे और खुद जो है वो रिजाइन कर रहे हैं. एब्डिकेट मतलब कि अपना मोनार्क जो है वो रिनाउंस करे थ्रोन किसी और के लिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टूप. ये स्टॉप नहीं है, ये स्टूप है, STOOP. स्टूप क्या है? ये एक वर्ब है. इसके मीनिंग क्या है? बैड, वंस हेड और बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. एक मीनिंग इसका ये है और इसका सेकेंड मीनिंग क्या है? लोअर्स वन मोरल स्टैंडर्ड
so far as to do something reprehensible. किसी का स्टैंडर्ड को जो है वो लो कर देना. इसके सिनोनियम्स देखें, लोअर, इंक्लाइन, लीन डाउन, यानी कि किसी को आप लोअर कर दें, उसका लेवल कम कर दें, उसको क्या बोलते हैं, स्टूप बोलते हैं. अब हम इसके न्यूज़पेपर सेंटेंस को देखते हैं. Why the government has become a facilitator of a terrorist who is the friend of Modi today? Why is he stooping so low in front of India? ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम जो है वो डाउन क्यों हो रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया. तो अगर आप ये न्यूज़पेपर के को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जो है वो इस न्यूज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी. और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको एग्जाम देना है कोई भी CSS या फिर PMS या कोई भी एग्जाम देना है तो आपको न्यूज़पेपर को रीड करना जरूरी है. तो ये हमने कर लिए आज के वर्ड्स. हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ जो है वो ग्रामर के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं. तो इस वजह से हमने जो है वो कल ग्रामर के कॉन्सेप्ट को देखा था, तो आज हमने जो है वो फिर अगेन वोकैबुलरी को देखा है. तो आप इस वोकैब को जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लें और इसको अपने सेंटेंसेस में, अपनी राइटिंग में यूज करें. थैंक यू सो मच.